दोस्तों साइबर अटैक और फीचर में ये जो मिशन है 35 मीटर वाला किल जो है ये करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है प्लेयर्स को, तो इसी मिशन से रिलेटेड यह वीडियो है। तो पहले हम लोग साइबर अटैक देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा डिटेल वीडियो मिलता है, ठीक है। तो साइबर अटैक में आपको पता ही होगा पहले स्पिन करना होता है। दोस्तों स्पिन करने के लिए आपको जो है स्ट्रेंथ का जरूरी है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं अपन नीचे स्ट्रेंथ का नाम है। तो ये कॉइन आपको जमा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटल रॉयल प्ले करना है और बहुत ही अच्छा से किल करना होगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लेयर प्ले करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा किल करना होगा। हेडशॉट वगैरह करने से क्या होगा, आपका ये स्ट्रेंथ है ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लेयर और बीआर प्ले कीजिएगा ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगा। तो मैं अभी फिलहाल स्पिन कर दिया हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो 1000 क्रेडिट मिल गया है, तो इसी तरह आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, सिंपल है। और मुझे पता है आप आधा से ज़्यादा कर भी लेंगे। और दोस्तों ये तीन जो ऊपर में देख रहे हैं ये आपको ये परचेज करने के बाद आपको ये स्ट्रेंथ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं आप बीआर प्ले करेंगे, मल्टीप्लेयर प्ले करेंगे तब भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने दो बार ट्राई किया, तो इस तरह आप भी कर लीजिएगा। तो यही था ये इवेंट साइबर अटैक के बारे में, कुछ खास नहीं है इसमें। तो चलिए जल्दी से वो जो मिशन है फीचर्ड का उसमें चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या, आपको सॉलिड गोल्ड मिशन 5 बार प्ले करना होगा बीआर में और सर्वाइव करना होगा 50 मिनट। और ये जो फुल डिटेल से बताना पड़ेगा, किल 5 निमीज एट लास्ट 35 मीटर अवे इन बीआर सॉलिड गोल्ड मैचेस। तो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको बैटल रॉयल के सॉलिड गोल्ड मैच सेलेक्ट कर लेना है, इसमें ही प्ले करना होगा। और दोस्तों जब आपको इनिमी या बोट वगैरह दिखाई दे उसको जल्दी से नॉक कर दीजिए, ठीक है। नॉक करने के बाद आप तुरंत उसके सामने जाइए और मार्क कर दीजिए, ठीक है। एकदम सामने आप जहाँ खड़ा है वहीं पर मार्क कर दीजिएगा और 35 मीटर यानी 35 मीटर आपको पीछे जाना है, बैक जाना है, ठीक है। तुरंत ऐसा करना है ताकि वो जल्दी जल्दी आउट ना हो जाए, ठीक है। उससे पहले आपको 35 मीटर पीछे जाना होगा, उसके बाद आपको उसका किल कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं 35 मीटर पीछे आ गया हूँ और वो जो नॉक परा हुआ है उसको मैं किल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, 5 बार करना है, ठीक है, ताकि आपका ये मिशन कम्प्लीट हो जाए। तो मैंने पहले जो किल किया था वो काउंट नहीं हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इनिमी है उसको भी इस तरह किल करते हैं 35 मीटर पीछे जाकर। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी आ गया हूँ नेक्स्ट मिशन किल करने के लिए। तो ये बोट है, इसको मैं अभी नॉक कर रहा हूँ, ठीक है। नॉक करने के बाद क्या करूँगा, इसके सामने जाकर जल्दी से 35 मीटर पीछे चला जाऊँगा मार्क करके। तो इसी तरह आप भी 35 मीटर टिक लगा दीजिएगा और पीछे चला जाने के बाद उसको नॉक किया एनिमीज को किल कर दीजिए फिर से, ठीक है, ताकि आपका मिशन कम्प्लीट हो जाए। तो यही है ट्रिक, ठीक है, बेस्ट ट्रिक यही है दोस्तों। तो इस तरह मैंने टोटल 2 बार किया था और पहले जो मैंने किल किया था नॉर्मल किया था, तो 35 मीटर मैंने पीछे जाकर किल कर लिया है। तो इसी तरह भी आपको करना है टोटल 5 बार, ठीक है। और दोस्तों हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का किल करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपका मिशन कंप्लीट हो जाए। और ऑरेंज एरिया पे जरूर जाना, ठीक है, उसमें आपको लेजेंडरी वेपन मिलेगा देखने को। दोस्तों देख सकते हैं मिल गया, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया, मैंने 2 बार किल किया था इसी तरह कैसे। तो नेक्स्ट मिशन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लेजेंडरी वेपन 15 टाइम लेना होगा, ठीक है, और टोटल 10 किल करना होगा असल राइफल लेजेंडरी वेपन से और स्नाइपर लेजेंडरी वेपन से 10-10 किल करना होगा दोनों से, ठीक है। और बाकी सब मिशन कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी लेजेंडरी वेपन मुझे मिल चुका है, ये ऑरेंज कलर का जो है ये लेजेंडरी वेपन है ICR-1। दोस्तों देख सकते हैं ये भी असल राइफल वेपन है, तो इसका मैं उठा लेता हूँ और इसी से ही किल करता हूँ। तो इसी तरह आपको टोटल दोस्तों 10 इनिंग्स का किल करना होगा लेजेंडरी वेपन से ऑरेंज कलर का, ठीक है, कोई भी असल राइफल से, और स्नाइपर से भी आपको किल करना होगा, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं, और ऑरेंज एरिया पर अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो यही था दोस्तों, ये मिशन कुछ खास नहीं है, आप क्लास चिप वगैरह यूज कीजिएगा और टॉप 10 और टॉप 3 होने के बाद आपका यह सारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था फीचर्ड इवेंट में, कुछ खास मिशन नहीं था। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।